एल्विश यादव सिर्फ और सिर्फ अपने लक की वजह से ही फेमस है। ये बात जो है कल अरमान साई के साथ करता हुआ नजर आया। दरअसल कल रात को ये लोग जिम एरिया में थे, जिम कर रहे थे, जहां पर अरमान लवकेश के बारे में बात कर रहा था और कहता है कि ये जो है इसके बाहर सपोर्ट में जो खड़ा है उसका कुछ नहीं है, वो सिर्फ अपने लक की वजह से ही फेमस है। उसका व्लॉग जाके देख लो, उसकी एक्टिंग देख लो, सिंगिंग देख लो, कुछ भी नहीं है। अगर वो फेमस हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ अपने लक की वजह से। और उसके बाद जो है बातें म्यूट पर चली जाती हैं, लेकिन वो कहता है कि जो स्लैंग है, मतलब मुझे लगता है कि जो अंदाज है ना एल्विश का बात करने का, तो ये कहता है कि खाली उसकी वजह से थोड़ा बहुत लोग देख लेते हैं और वो फेमस हो गया, वरना उसमें कुछ भी टैलेंट नहीं है। और ये सारी बातें तो मैं खुद उसके मुंह पर भी कह सकता हूँ। तो ये कहते हुए नजर आए हैं अब अरमान साई के सामने, और उसने ये भी प्रेडिक्ट किया कि उसे लगता है कि इस हफ्ते वो आ सकता है लव के सपोर्ट में। तो यहाँ एल्विश को लेकर उसने ये भी कहा कि उसने मुझे भी रोज किया था। तो अब एल्विश में किसी तरह का कोई टैलेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने लक की वजह से वो इतना आगे आए हैं, इस बात का दावा अरमान कर रहा है। वो कहते हैं मैं तो खुद को भी नहीं मानता हूँ कंटेंट क्रिएटर इतना अच्छा। उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करता है कि उसे किसका कंटेंट सबसे अच्छा लगता है। फिर वो कहते हैं उसके तो 15-20 मिलियन फॉलोअर्स भी हैं, उसका सच में बहुत अच्छा कंटेंट है। हालांकि म्यूट कर दिया गया कि वो किस पर बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ अरमान को ऐसा लग रहा है कि इस हफ्ते जो है एल्विश यादव घर के अंदर आ सकते हैं सपोर्ट करने के लिए लव कटारिया को, क्योंकि हर हफ्ते कोई ना कोई जरूर आ रहा है ना। पिछले हफ्ते शिवानी के लिए आए, साई के लिए आकर गए, विशाल के पेरेंट्स आए, तो अब जो घर के अंदर बच गए हैं उनके लिए भी कोई ना कोई तो जरूर आएगा। तो इसी बात का प्रेडिक्शन अरमान करते नजर आए, पर उसको ये लगता है कि एल्विश में किसी तरह का कोई टैलेंट नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि अरमान ने जो बात कही है, क्या आप उस बात से एग्री करते हैं या सिर्फ आउट ऑफ जेलसी वो ये सारी चीज़ें बोल रहा है? आप क्या कहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।